हमें बुरा लगता है जब लोग कहते हैं अरे ये तो प्रोपागेंडा है जो देश का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता है। सीधी सी बात है ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई जो इंटरनेशनली जिन्होंने काफ़ी तहलका मचाया वो सारी चीज़ें जो हैं आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगी तो बहुत बड़ा रोल है सोशल मीडिया में लोग हमेशा कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है लोग ज्यादातर से वही मानते हैं जो पहली जो न्यूज आती है लोग फटाफट से उसी मान लेते हैं बाद में जो क्लैरिफिकेशन आती है या रिट्रैक्शन आता है वो तो बाय द वे था अच्छा ठीक है इस वाली स्क्रिप्ट को जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैं थोड़ा सा खुद भी चौंक गया था क्योंकि ऐसी चीज़ें थी जो मुझे खुद को नहीं पता थी जो सारी चीज की स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो भी उतने ही बड़े रियल हीरो होते हैं मगर उनकी शक्ल कभी सामने नहीं आती है रणनीति हमारी आ, सीरीज है जो 25 तारीख को रिलीज़ हो रही है जियो पे और आ, ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए थे पुलवामा से लेके बालाकोट एंड बियॉन्ड तक इनके बारे में आपने न्यूज़ पे देखा होगा आपने पढ़ा होगा और हम सबको ऐसा लगता होगा कि हमें सब कुछ इसके बारे में पता है इसके ऊपर कई सीरीज़ और फिल्में भी बनी हैं जो उस इवेंट को दर्शाती हैं उनको आपने देखा है मगर उसके बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ और ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई जो इंटरनेशनली जिन्होंने काफ़ी तहलका मचाया वो सारी चीज़ें जो हैं आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगी और वही सारी चीज़ें हैं जो इस सीरीज़ को बाकियों से अलग बनाती हैं आपके किरदार के बारे में आप बताएं लाइन जी आ, मेरा किरदार जो है इसमें आप उसे पावर ब्रोकर बुला सकते हैं या स्पिन डॉक्टर कह सकते हैं और ज़्यादातर से रणनीति में जो हमारी एक टैग लाइन है कि एक नया रण है और रण सिर्फ मतलब वॉर जोन में ही नहीं लड़ी जाती है जो हमारे दर्शकों को दिखाया जाता है जो दुनिया भर में जो परसेप्शन दिया जाता है उससे देश का भी बहुत मतलब फ़र्क बनता है जो हमारे लिए इंडिया एक सुपर पावर मिलिट्री सुपर पावर बनी थी बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद वो इसी वजह से बनी थी क्योंकि दुनिया भर में मतलब वर्ल्ड वाइड जो उन्होंने दिखाया गया द वे इंडिया हैंडल दैट सिचुएशन उससे बहुत फ़र्क पड़ा ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्टेज तो जो ये कहानी बुनती है बनाती है वो है मनीषा सैगल इसमें आपके प्रोमो में डिजिटल मीडिया का भी इस्तेमाल आपका दिखाया जा रहा है कि आप ट्रेंड करिए ये करिए वो मेटाप कीजिए जब हम कोई परसेप्शन बनाते हैं आज सोशल मीडिया का कितना रोल रहता है उसमें आज तो बहुत बड़ा रोल है सोशल मीडिया में लोग हमेशा कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है और लोग ज्यादातर से वही मानते हैं जो पहली जो न्यूज आती है लोग फटाफट से उसी मान लेते हैं बाद में जो क्लैरिफिकेशन आती है या आता है वो तो बाय द वे था अच्छा ठीक है लेकिन लोग ज्यादातर से जो पहली बार देखते हैं जो नजर देखते हैं वो हमेशा ज्यादातर से मान लेते हैं exactly क्या प्ले कर रहे हैं जब आप एज एक्टर जब आप एक uh, rock agent. Rock agent. तो क्या तैयारी करनी पड़ती है इस वाली स्क्रिप्ट आ, को जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो आ, मैं थोड़ा सा खुद भी चौंक गया था क्योंकि ऐसी चीजें थी जो मुझे खुद को नहीं पता थी वो सारे इवेंट्स के पीछे क्या हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जो पर्दे के पीछे होते हैं जो सारी चीज की स्ट्रेटजी बनाते हैं वो भी उतने ही बड़े रियल हीरो होते हैं मगर उनकी शक्ल कभी सामने नहीं आती है। उनका नाम भी नहीं पता होता और जैसे ही ये इवेंट्स और ये सारा कुछ ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो क्राउड के अंदर मिक्स हो जाते हैं आपको पता भी नहीं है कि इस इंसान ने कितनी जानें बचाई क्या क्या किया किस तरीके से कुछ गलत होने वाला था उसने उसको चेंज किया उसने अपने सोल्जर्स को बचाया उसने कितने एजेंट्स को बचाया क्या किया बाय जस्ट बीइंग इनसाइड द वॉर रूम बाय यूजिंग हिज ब्रेन सो ऐसे लोग जो इतना कुछ बिहाइंड द सीन्स करते हैं लेकिन उनके चेहरे उनके नाम कभी सामने नहीं आते हैं तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चैलेंज है और दूसरी चीज़ यह होती है कि जब आप किसी सोल्जर का या पुलिस वाले का आप रोल प्ले करते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट नहीं बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट्स आपके पास होते हैं लेकिन ऐसे किरदारों के लिए रेफरेंस पॉइंट्स नहीं होते हैं हमारे पास कि कैसा बिहेव करता हो हमने देखा ही नहीं किसी फिल्म में हमने देखा ही नहीं तो वो एक ऐसी चीज़ है जो इस सीरीज़ को बाकियों से अलग करती है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट बिहाइंड द सीन्स क्या क्या हुआ था और ये कौन लोग थे और क्या था मतलब तो आप कॉन्टेस्ट अलग एक सवाल बहुत अजीब होता है हमारे देश में किसी ने हमला किया कोई घटना हुई हम उसे डिफेंड करने के लिए अपने पावर दिखा रहे हैं और हमारे देश में दो तरह के बयान आते हैं एक सरकारी तरफ से आते हैं विपक्ष की तरफ से आते हैं विपक्ष हमेशा इस पर सवाल उठाता है उसके बारे में आपको क्या लगता है एज नागरिक क्या फील आता है जब आप अब तो अंदर से नहीं बाप हमें बुरा लगता है जब लोग कहते हैं अरे ये तो प्रोपगेंडा है ये तो ये है वो हर चीज को आप उस तराजू में तोड़ने लग जाते हैं ऐसे तो लोगों के लिए मेरे पास एक ही जवाब है यार जो देश का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता सीधी सी बात है जहाँ पर देश की बात आए आपको उससे जुड़ना चाहिए ना कि लोगों को तोड़ना चाहिए दैट्स वॉट आई बिलीव आपका क्या कहना है जी मैं एज इट इज़ मिलिट्री बैकग्राउंड से हूँ मेरे पापा एयरफोर्स में थे मेरी बहन एयरफोर्स में है तो मेरे फादर ने ऑलरेडी इस देश के लिए तीन वॉर में हासिल हो चुके हैं मेरी बहन कारगिल में थी तो आई थिंक मेरे लिए भी इस स्टोरी को भी चुनना एक स्पेशल uh, चीज़ थी क्योंकि जब बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई थी तो हम शायद एफ के होते हुए हमें थोड़ी सी इनसाइडर इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिली जो सिविलियंस को नहीं मिली आ, तो जब इस स्टोरी के बारे में संतोष जी जिक्र भी कर रहे थे बातचीत भी चल रही थी तो मैंने भी मतलब थोड़ा सा उनको भी थोड़ा सा करेक्ट किया क्योंकि वहाँ पे बहुत रिसर्च चल रही थी कि नहीं ऐसा हुआ था वैसा तो ये मेरे लिए आई थिंक मेरी परवरिश ऐसे हुई है कि हमारे लिए हमें यही सिखाया गया कि वतन से बढ़कर और कुछ है नहीं आ, पहले आई आती है आपकी देश और फिर आएगा, आएगा आपका फैमिली या जो भी कुछ वो सिर्फ वो हमेशा नंबर टू पोजीशन पे रहेगा बाकी की जो चीज़ें हैं तो आई थिंक एक जो पेट्रियोटिक फर्वर है वो फिलहाल एज अ मिलिट्री किड वो हमारे खून में बहता है तो आई थिंक फॉर मी टू कम कमाउंट बोर्ड ऐसे शो के लिए जहाँ पे आप सचमुच में वो पेट्रियटम फील कर सकते हैं जैसे जी मैंने कहा कि लोग तो हमेशा कहेंगे कि नहीं ये कोई प्रोपागेंडा जैसी चीज़ है लेकिन हम लोग ऐसे कहते नहीं जब हम लोग बाकी के हॉलीवुड वाली फिल्में देखते हैं या कुछ जीरो डार्क थर्टी या जो भी है देखते हैं हम लोग कभी नहीं कहते कि ये प्रोपोगंडा वाला फिल्म है तो हमेशा हम इसे हमारे देश की चीज़ें क्यों अप्लाई करते हैं और ऐसे इतने सारे कमाल के किस्से हैं स्टोरीज है इंसिडेंट्स है हमारे देश के अंदर ही क्योंकि हम तो हम लोग बनाए क्यों नहीं और जियो सिनेमा को भी आई थिंक हम क्रेडिट देना चाहते हैं कि उन्होंने छोटे स्क्रीन 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 के के लिए लिए अगर या आप बोलो कि 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 सेकेंडरी बना रहे लेकिन उसका एक, मतलब किसम की शो नहीं नहीं बनाई है उन्होंने उन्हें माउंट भी किया screen, भी भी नहीं किया ऐसे बिग कॉम्प्रोमाइज़ एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग ऑडियंस को मौका मिल रहा है कि इसे उतनी ही इतने मतलब प्रेशर वाले सीन्स इतना इंटेंस माहौल सारा कुछ उसके अंदर भी इन्होंने जिस लाइट हार्टेड तरीके से चीज़ों को हम लोग को एंटरटेन करके चले कि हम लोग हम लोग को फ़ील नहीं हुआ कि कैसे 48 एट आवर्स निकल जाते थे 48 घंटे कैसे निकल जाते थे एक दो बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमको कंटिन्यूसली फॉर सर्टन सेट टूट के नेक्स्ट सेट सेम फ्लोर पे खड़ा होना था हम लोग का सारा कुछ आ, उस वजह से हम लोग को कई बार बहुत आ, लंबे आवर्स के लिए शूट करना पड़ा लेकिन मैम ने सिर्फ मुझे ही नहीं बाकी बहुत भी सब लोगों को फील नहीं होने दिया हंसाते रहते थे सबको आप हाँ भी बता दीजिए आई थिंक मेरे लिए एक सबसे बड़ी रीजन की मैं रणनीति करूँ वो वजह यही थी कि मेरी जो अनसॉर्मल कास्ट थी मैं पहले कभी उनके साथ काम नहीं मैंने किया नहीं है जे सर रहे आशीष जी रहे या आशुतोष जी रहे एंड uh, मेरे लिए ये बहुत ही कमाल के कलाकार हैं तो फिनल पावर हाउस परफॉर्मर्स और मुझे मौका मिल रहा था कि मैं ऐसे बहुत इंटेंस सिचुएशन इंटेंस सीन्स में उनके साथ स्टेप्स मैच करूँ तो ये मेरे लिए वॉज डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स टू चूज रनितमेजिंग टू वर्क विदकामना हमसे बात करने का